हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोटैटो बोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से बनने वाली है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पोटैटो बोल्स कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं, तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ पोटैटो बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7-8 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 गाजर लिए हैं, उनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 छोटे प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। 1 कॉर्नफ्लावर लिया है 4 चम्मच। 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है। यहाँ आलू बॉल्स की रेसिपी शुरू करते हैं। ये आलू ले लिए मैंने, ये गाजर डाल दी, प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए, कॉर्नफ्लावर डाल देंगे यहाँ पे 4 चम्मच, 4 चम्मच मैदे के डाल दिए। 2 बारीक हरी मिर्च ली है, उसको बारीक काट लिया है मैंने। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का लिया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/6 चम्मच ओरिगैनो का डाल रही हूँ, ये टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। पोटैटो बॉल्स को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच तेल का डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये हमारा एक डो बन जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ में लेंगे, हाथों को अच्छे से चिकना कर लेंगे इसको अच्छे से। तेल को अच्छे से इसके साथ लगा लेंगे। अब इसके गोल गोल बॉल बना लेंगे। थोड़ा सा तेल और लगा लेंगे हाथ में। इस तरह से यहाँ से बैटर लेंगे और ऐसे ऐसे थोड़ा सा मच लेंगे इसको और गोल कर देंगे। सारे बॉल्स हमने ऐसे ही बना लेने हैं गोल गोल करके। हमने सारे पोटैटो बॉल्स इस तरह से बना लेने हैं। एक पैन में हमने तेल ले लिया है, अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। आलू बॉल्स डालते हैं इसके अंदर। अब इनको मीडियम गैस पे ही पकाना है। पोटैटो बॉल्स को चेक करते हैं, देखिए तो नीचे से ब्राउन हो रहे हैं। देखिए इनका कलर अब गुलाबी होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेट डाली हुई है, तभी थोड़ा सा पिंक कलर आ रहा है। हमारे आलू बॉल्स रेडी हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। कितना सुंदर कलर आया है इनका, देखिए हमारे बॉल्स कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, चटपटी चटनी के साथ खाओ इनको। पोटैटो बॉल्स को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ऐसे ही सारे पोटैटो बॉल्स फ्राई कर लेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आपने इनको मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।